रेसिपी, ये बहुत ही मज़े की बनेगी। दाल है एक प्याली, चार हरी मिर्चें हैं कटी हुई, एक बड़ा प्याज है और ये फ्राई प्याज है, टमाटर हैं दो और ये लहसुन और अदरक है, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, अजवाइन और कलौंजी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, मेथी 1 टेबल स्पून और काली मिर्च है 1/2 टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे, और दही है 1 कप और क्रीम भी है 1 कप। अब मैं एक पैन में 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। गर्म होने पर हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। जब प्याज टेंडर हो जाए तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन है 6 जवे और ये फिर मैं हरी मिर्चें इसमें यूज़ कर रही हूँ, 5 अदद कटी हुई, और ये फ्राई प्याज है 1 कप। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ 2 अदद, और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद वापस इसको मैं पैन में शामिल करूँगी। अब दही को भी मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है और मैं ये इस मिक्सर में शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह से आप इसको हिला लें, और हमारे जो दूसरे स्पाइस हैं वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब ये दाल है उसको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और ये मैंने इस तमाम मसाले में ऐड कर दिया है। ये कोफ्ते हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। इस तमाम अपने मिक्सर में ये कोफ्ते हम शामिल करके इसको हम ढांप देंगे। फिर 5 से 10 मिनट इसको ढांपे रहने के बाद मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी। फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। ये तमाम घी जो है वो अलग हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है, और ये हमारी कोफ्ता ग्रेवी रेडी है, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जहां रहें खुश रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।